यही तो, मेरी सास ना सास नहीं है, फांस है फांस। अरे यार, मुझे तो वो नीना गुप्ता का गाना ही गलत लगता है, सासे सदा नहीं रहती, वो वाला गाना। हाँ, वो सास नहीं सांस है, तभी नहीं रहती। मैडम लेटर आया है अच्छा, कहाँ से भेजा है? होम मिनिस्ट्री से। मैं सास की नहीं, बॉस की बात कर रहा हूं, म्युनिसिपल कमिश्नर का लेटर आया है। तू सांस रोक के रख, मैं बाद में सांस के बारे में बताती हूँ। ओके बाय। बोलो पांडे, बोलो पांडे। क्या बोलूं उषा, क्या तुमने मुझे उषा कहा? तुम पिए हो? मैं तो छुप छुप के लगाता हूं, बदबू भी नहीं आती, फिर भी आपको कैसे पता मैं पिए अरे बाबा, वो वाले पिए की बात नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे पिए हो। तुमने मुझे उषा कहा, उषा के आगे जी नहीं लगा सकते? हूं? आप पांडे के आगे जी नहीं लगा सकती? जी अच्छा बाबा ठीक है, बोलो पांडे जी। उषा जी, ये लेटर आया है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आ रहे हैं, वो हमारे शहर में नहर वाली हवेली देखने जाएंगे, इसलिए नहर वाली हवेली और उसके आसपास की गंदगी की सफाई के ऑर्डर देने। अच्छा, पहले देखो तो सही वहां गंदगी कितनी है। पांडे जी, नहर हवेली की रिपोर्ट तैयार है? जी हाँ पटेल साहब, शुरू हो जाइए। मैडम, मैंने वहां का दौरा किया, मगर वहां पर ना तो कोई नहर है और ना तो कोई हवेली। पटेल साहब, 50-60 साल पहले वहां एक नहर बहा करती थी। ओके, तो कहाँ गई नहर? अरे भाई, बंटवारे के टाइम पे आधी नहर पाकिस्तानी ले गए, आधी यहाँ सूख गई। और हवेली? हवेली कहाँ, वो तो उसी गली के चप्पल के दुकान वालों को, किराने के दुकान वालों को, कसाई के दुकान वालों को रिटेल भाव में भेज दीजिए। मैडम, मुशर्रफ साहब यहाँ क्या देखने आ रहे हैं, कसाई शॉप? यही तो, पाकिस्तान में तो घर घर में कसाई शॉप लगाए बैठे हैं। लेकिन मैडम, वो ये कहते हैं कि उस हवेली में उनका जन्म हुआ, इसलिए वे उसे देखना चाहते हैं। पर है ही नहीं तो देखेंगे क्या? अरे पटेल साहब, कोई भी नई हवेली दिखा दो, कह देना नहर वाली हवेली थी। अरे उनको क्या पता, 4 साल के थे जब यहाँ से गए थे, बच्चे। अरे ऐसे कैसे कुछ भी दिखा दो, वो बोल देंगे ये हमारी है, हमें दे दो, फिर क्या करोगे? यही तो, दूसरों की जमीन को हमारा कहने की आदत ही है उनकी, क्या करें? वैसे हवेली का एक बड़ा हिस्सा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ एक फैमिली रहती है। तो साफ कर दो ना। किसको? फैमिली को? अरे नहीं भाई, हवेली के उस हिस्से को जो मुशर्रफ को दिखाना है। पटेल जी, आप चार्ज लीजिए प्लीज। डोंट वरी मैडम, नहर वाली हवेली को मैं व्हाइट हाउस बना दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? हवेली के रास्ते में बीच सड़क में एक छोटा सा मकान। अच्छा, तो वो भी दिखाओ उनको। दिखाने के नहीं है। क्यों? अरे भाई, वो हवेली की शोभा बिगाड़ रहा है, उसे वहां से हटाना पड़ेगा। तो हटा दो, वैसे है किसका? किसका है? कोई मुसद्दीलाल भारती करके रहता है वहां पर। अच्छा, तो उस मुसद्दीलाल भारती को भारत से बाहर निकालो, हमें एक पाकिस्तानी का स्वागत करना है। ठीक है, तो मकान को गिरा दे वहां से। ठीक है, मैं आज ही लेटर इश्यू करता हूँ घर गिराने। हाँ नहीं नहीं तो हटवा देते हैं ना, थोड़ा साइड में कर देते हैं। अच्छा नहीं नहीं वो कार नहीं जा पाएगी उनकी, तो फिर कैसे चलेगा? हाँ नेचुरली मुशर्रफ जी की कार है तो बड़ी तो होगी। ठीक है, तो फिर घर तुड़वा दो। हाँ ओके, तुड़वा देता हूँ। नहीं क्या है, सड़क कम से कम 80 फीट चौड़ी होनी चाहिए ना। हाँ नहीं नहीं वो क्या है, नहर वाली हवेली के मालिक खुद यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं। हाँ आते ही होंगे। हाँ हाँ ओके ओके बाय, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। अरे आइए, बैठिए ना, आ गए आप, खड़े क्यों हैं? थैंक यू, सॉरी। हाँ आपको यहाँ आने की तकलीफ दी, मैं खुद आने वाला था, मगर क्या करूँ, इतना काम है कि पूछो मत। बस तो वो पता है ना, वो 14 तारीख को आ रहे हैं। वो पता है। बस तो फिर वो एक दिन के लिए आप यहाँ वहाँ कहीं चले जाना। कहाँ? कहीं भी, किसी किसी के घर मेहमान बन के चले जाना। जैसे ही मैं गया, आप मेरा घर तोड़वा देंगे? तोड़वा देंगे? अच्छा मजाक करते हैं आप भाई, हम क्यों तोड़वाएंगे, आपका घर तो ऐतिहासिक इमारत बनने वाला है भाई। क्या? हाँ हम बनाएंगे आपके घर को ऐतिहासिक इमारत। अच्छा हाँ? अच्छा तो ये फिर ये लेटर आपने ऐसे ही डराने के लिए भेजा था? लेटर? ये नहीं, ये तो घर तोड़ने के लिए भेजा था। क्या? पर अभी तो आप कह रहे हैं कि आप मेरे घर को ऐतिहासिक इमारत बनाएंगे। आपके घर को मतलब कौन है आप? आप नहर वाली हवेली के मालिक है ना? जी नहीं, नहर वाली हवेली के बाहर जो छोटा सा घर है ना, उसका मालिक हूँ मैं। तो इस लेटर का मतलब बता दीजिए भाई। क्या है, सरकारी लेटर का मतलब तो सरकार को भी पता नहीं होता है, लिखा है तोड़ दो तो तोड़ दो। ये तो क्या है, हिंदुस्तानी सभ्यता के नाते हमने आपको इत्तला कर दी। इत्तला कर दी? ये कोई शादी है जो आपने मुझे इत्तला कर दी? आप घर तोड़वा रहे हैं मेरा और कह रहे हैं कि हमने तुम्हें इत्तला कर दी। अरे आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं मेरा घर, कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, आपने मुझसे पूछा। ओके अब पूछता हूँ साहब, आपका घर तुड़वाना चाहते हैं? जी नहीं, मैं अपना घर नहीं तुड़वाना चाहता हूँ। बस पूछ लिया,
ओके अब जाओ, 13 तारीख को आपका घर टूट जाएगा। देखिए भाई साहब, पिछले 25 साल से मैं उस जगह पे रह रहा हूँ, आप उसे ना गिरवाएं। अरे कमाल है, पाकिस्तानी राष्ट्रपति आ रहे हैं और आप छोटा सा घर नहीं गिरवा सकते? अरे हमारे देश के राष्ट्रपति थोड़ा ही आ रहे हैं जो मैं घर गिरवा लूं। कमाल है यार, कब से समझा रहा हूँ प्यार से, समझ में नहीं आ रहा आपको बात? अरे दो बातों से समझाऊं क्या, तो ही मानेंगे क्या? देखिए भाई साहब मान जाइए, वरना दो बातें हो जाएगी। अच्छा हाँ, या तो मुशर्रफ जी नहर वाली हवेली जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और जाएंगे तो दो बात होगी, या तो उनका भारत के प्रति प्रेम बढ़ेगा या तो नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और बढ़ गया तो दो बातें होगी, या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे या तो नहीं सुधरेंगे। नहीं कैसे सुधरेंगे, और सुधर गए तो अरे वाह वाह, फिर तो नाचो गाओ ऐश करो मौज मनाओ। भाई आपने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते सुधार दिए। मैंने कैसे? अपना घर तुड़वा के। ये घर तो मैंने तुड़वाया नहीं ना। तो आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ना सुधरे? क्यों नहीं चाहता मैं? तो फिर तुड़वाओ घर। अरे आपको क्या लगता है घर तुड़वाने से रिश्ते सुधर जाएंगे? हैं? हर रोज कश्मीर में 3-4 घर तो गिरते ही है, एक गोला गिरता है 3-4 घर गिर जाते हैं, साथ में कुछ इंसान भी गिर जाते हैं। अगर ऐसे रिश्ते सुधरने होते ना तो आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो लंगोटिया यार हो जाते। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि हम बेवकूफ हैं, हमारा कैलकुलेशन गलत है, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, नहीं यही कहना चाहते हैं ना आप? मैं ये नहीं कहना चाहता। यही कहना चाहते हैं आप? हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। तो कहो क्या जो कहना चाहते हो। मुझे क्या पता मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो किसे पता होगा, तुमको ही पता होगा ना तुम क्या कहना चाहते हो। मैं मुझे पता होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर तुड़वाने का ये जो ऑर्डर है इसको आप रद्द कर दीजिए। रद्द नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑर्डर निकल चुका है। कहाँ जा चुका है? रास्ते में। क्या नहर वाली हवेली कब पहुंचेगा? आजकल में पहुंच जाएगा। तो क्या कैसे गया? टैक्सी से गया, रिक्शा से गया, क्या ऑटो से गया? भाटिया से गया। ये नई सवारी है? सवारी नहीं सवार है। ये किस पे सवार है? आपके घर के डिमोलिशन ऑर्डर पे। क्या? हाँ उसी से मिलो, वही कुछ कर सकता है आप तो। वो कहाँ मिलेंगे? वो क्या है, अब नहर वाली हवेली गए हैं इंस्पेक्शन करने, क्या तोड़ना है क्या जोड़ना है वो सब देखने हैं। तो कब मिल सकता हूँ? कल आ जाइए। भाई तुम्हारा ऑर्डर मेरे हाथ में है। अभी तो आपके हाथ में रोटी है। इसका ऑर्डर भी तो आपने ही दिया है। पिछले 2 दिन से दे रहा हूँ। तभी तो तुम्हारा दूसरा ऑर्डर रुका हुआ है। तो कब तक रुका रहेगा? जब तक ये ऑर्डर चलता रहेगा। जब तक तू ऑर्डर देगा मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। जहाँ तेरा ऑर्डर रुका मेरा बुलडोजर चलेगा। शुक्ला, अरे ओ शुक्ला। जी बात कर रहा हूँ। जरा एक तंदूरी चिकन का ऑर्डर तो दे। क्या करूँ मुटंडी, कितने पैसे लेके आए आज? पूरे 500 रुपए लाया। वाह क्या सोच के लाए थे कि सब भाटिया को खिला दोगे, हमें कुछ नहीं? नहीं नहीं वो बात नहीं है शुक्ला जी। अरे इसकी कौवा मिलेगी, बराबर मिलेगी। आप पान थूक के बात किया कीजिए ना, बिना पान के बात करते तो समझ में नहीं आता, पान के साथ बात करेंगे तो क्या समझ में आएगा खाक? पान खिला दो यार। हाँ तो ठीक है ना खिला देता हूँ, ये लीजिए 5 रुपए। वाह हमें 5 रुपए, इनको 5 टका खिलाओगे? अरे खिलाएगा, तुम्हें भी खिलाएगा, कहाँ जाएगा, जाओ ऑर्डर ले आओ, जाओ लाओ। ये लो पूरे हैं 500। अच्छा भाटिया जी अब मेरे मकान के डेमोलिशन का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ना? भाई मेरे हाथ में नहीं है। क्या ऑर्डर? तो किसके हाथ में है? पर मैंने तो अभी दे दिया ना वो। अरे भाई तुम्हारे मकान के टूटने का ऑर्डर ऊपर से आया है, तो आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। देखो तुम अच्छे आदमी हो, हिंदुस्तानी हो, मेरे भाई हो, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि कल के बजाय तुम्हारा ऑर्डर 2-3 दिन डिले कर दूं ताकि तुम अच्छा सा किराए का मकान देख लो, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ये किस तरह की इंसानियत है ये बताइए आप मुझे, कि एक पाकिस्तानी की वजह से एक हिंदुस्तानी का ही मकान तोड़ रहा है। आप बात को समझ नहीं रहे? अरे अरे अपने महत्व को पहचानो, अपने योगदान को जानो, तुम्हारा मकान टूट के अमर हो जाएगा। और मैं? अरे यार बस यही प्रॉब्लम है, और मैं हम हिंदुस्तानी अपने स्वार्थ में फंसे रहते हैं, अपने देश के हित से पहले अपना हित सोचते हैं, तभी हमारा भारत तरक्की नहीं कर पा रहा। हाँ बस मकान तोड़ने से अगर तरक्की होती हो तो इंडिया का नंबर भारत का नंबर बड़ी जल्दी 1 होने वाला है। हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, देखना भारत नंबर 1 होगा। ना भारत का तो बता दिया, भारतीय का भी बता दीजिए। वो सड़क पे होगा। कुछ नहीं, आपने नाम क्या बताया था अपना? मुसद्दीलाल भारती। हाँ तुम इसे भारती, आप एक काम कीजिए उषा जी से मिलिए। टू बी वेरी फ्रैंक, ये अमूल्य मौका है आपके लिए। अरे किस बारे में? देश के लिए कुछ करने के लिए। अच्छा हाँ, देखिए हम हमेशा सोचते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने देश के लिए क्या किया। आज हर हिंदुस्तानी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि मौका पड़ने पर या किसी देश के राष्ट्रपति के आने पर उसने अपना घर गिरवाया कि नहीं गिरवाया, देश की कुर्बानी दी कि नहीं दी। अब लोगों को ये मौके मिलते नहीं, तकदीर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फर्स्ट और लास्ट टाइम ना? क्यों लास्ट टाइम, आगे भी दस्तक देगी। अब जब घर ही टूट जाएगा तो दरवाजा कहाँ पे होगा, और दरवाजा नहीं होगा तो कहाँ से आएगी तकदीर और देगी दस्तक? जीवन से निराश मत हो, एक बार मिल तो ले डॉक्टर उषा से। जीवन को कमजोर बनाने वाली बीमारियों का शातिर इलाज डॉक्टर
उषा होल्ड मी प्लीज, एक बार मिले मिल तो ले। कहाँ मिलेंगी उषा मैडम? उधर केबिन में। ओके। सुनिए मुसद्दी बाबू, उनके पीए पांडे से बात मत करिएगा। क्यों? अरे जरा जरा सी सलाह देगा, हाथ ऐसे फैला देगा ऐसे। हाँ देख लिया ना। अरे देख क्या रहा है, कुछ रख जाइए ना, वो इतनी सलाह देता इतना पैसा लेता, हम तो आपको शातिर उपाय बता रहे हैं। राम बाण। ये थैंक यू। यस कम इन। हेलो भाई साहब, कहाँ? जी वो अंदर जा रहा था मैडम से मिलने के लिए। उसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। आप? हाँ मैं पीए हूँ। आप पीए पांडे हैं? ना। ये पीए पांडे कौन है? मुझे नहीं पता। सुना बड़ा खाऊ आदमी। कहा ना मुझे नहीं पता। तो आप कौन है? आई एम पीए पांडे जी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपको नहीं मालूम कि पीए पांडे कौन है। मुझे नहीं पता ये पीए पांडे कौन है। अभी तो है। मैं पीए पांडे जी हूँ। क्या? हाँ पांडे जी, पांडे के आगे जी लगाए, आपके आगे क्या लगा? मेरे आगे तो कुछ लगा, तो मेरे तो पीछे लगा। क्या? मुशर्रफ। क्या? हाँ राहु की तरह कुंडली में आके बैठ गया मेरी। ओ मुसद्दीलाल भारती। अरे आपने कैसे पहचाना? तुम्हारी फाइल आगे बढ़ा रहा था। मेरी फाइल? अपना मकान तोड़वाना चाहते हो ना? मैं अपना मकान तोड़वाना चाहता हूँ, मेरा दिमाग थोड़े खराब हो गया, वो तो आप लोग तोड़ना चाहते हैं, उसी सिलसिले में मैडम से मिलना चाहता जाऊँ। अरे ऐसे कैसे, मेरी परमिशन के बगैर उनके पति भी उनसे नहीं मिल सकते, आप कौन से खेत की मूली है? अच्छा तो बता दीजिए फिर मीटिंग कैसे हो सकती है? उसके लिए आपको पहले मुझसे मिलना पड़ेगा। तो आपसे मिल तो रहा हूँ। ऐसे कैसे? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बोलो कैसी मीटिंग करानी है, ऑफिशियल मीटिंग, अनऑफिशियल मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग? देखिए जैसी भी हो बस मीटिंग करा दीजिए। लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा कौन सी मीटिंग करानी है। तो बस ऐसी मीटिंग करा दीजिए जिससे मेरा घर टूटने से बच जाए। ड्रीम मीटिंग करानी? अब जैसी भी करानी है करा दो। ठीक है ड्रीम मीटिंग 500 रुपये। 500 रुपये? हाँ यही रेट है। तो ड्रीम मीटिंग कब होगी? जब आप चाहें। वेरी गुड, एक सेकेंड, ये लीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 500 रुपये लाओ। अच्छा तो अब ये बताइए कि मीटिंग कब होगी? कहा ना जब आप चाहें। ये तो बड़ी अच्छी मीटिंग है, तो मैं अभी कर सकता हूँ मीटिंग उनसे? बिल्कुल। मैं जाऊँ अंदर? अंदर नहीं बाहर जाओ। वो बाहर है? नहीं वो अंदर है। वो अंदर है तो मैं बाहर बाहर क्यों भेज रहे हैं मुझे, तो मीटिंग कैसे होगी? कहा ना ड्रीम मीटिंग। मैं समझा नहीं। घर जाके सो जाओ। घर जाके सो जाऊंगा तो मीटिंग कैसे होगी? ड्रीम में। ड्रीम में? लेकिन वो कब कब आके मिलेंगी मुझसे? मैंने कहा ना भैया ये ड्रीम मीटिंग है, इस ड्रीम मीटिंग में उषा जी आपके ड्रीम में आएंगी और आपसे। नहीं नहीं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा ड्रीम में? मान लो मुझे ड्रीम नहीं आया तो वो मीटिंग को कैंसिल मान लेंगी, किसी और के ड्रीम में चली आएंगी। अच्छा तो आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे? बना नहीं रहे, आप ही ने कहा ड्रीम मीटिंग करानी, हमने तो ऑप्शन भी दिए आपको। शुक्ला ठीक ही कह रहा था आपके बारे में। क्या? कुछ नहीं। अच्छा ये बता दीजिए कि अब ऑफिशियल मीटिंग कब हो सकती है? अब भी हो सकती है। कैसे? ऐसे? यही तो। हाँ बाबा मिलवा दूंगी मुशर्रफ से। कभी देखा नहीं क्या राष्ट्रपति को? क्लिंटन को देखा था ना टीवी पे, फिर अपने राष्ट्रपति को देखा है क्या कभी? अच्छा बाबा ठीक है, मिलवा दूंगी। ओके बाय। जी वो मेरी सांस बड़ी जिद्दी है, मुशर्रफ से मिलना चाहती है। क्या? क्यों? क्या प्रधानमंत्री क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो बातचीत करेंगे ना। यही तो, ये भी बातचीत करेगी ना। लेकिन प्रधानमंत्री तो देश की समस्याएं सुलझाएंगे। वो भी सुलझाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी सास मुशर्रफ से बात करके हमारे देश की समस्याओं को सुलझा लेंगी? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री सुलझा लेंगे? प्रधानमंत्री तो समझदार इंसान है। उनके अकेले के होने से क्या होता है? जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर मुशर्रफ को बुलाया क्यों यहाँ पे? नहर वाली हवेली दिखाने? मैडम नहर वाली हवेली के चक्कर में आप मुझे क्यों हवा महल दिखा रही हैं? मेरा घर क्यों तोड़वा रही हैं? उसके बिना काम नहीं चलेगा ना। तो क्यों नहीं चलेगा? देखो तुम्हारा जो घर है ना वो बीच रास्ते में आता है, जहाँ रास्ता तंग होता है वहाँ से मुशर्रफ की लंबी वाली गाड़ी कैसे जाएगी? लंबी वाली गाड़ी कैसे नहीं जाएगी, आपको पता है वहाँ पे ऑटो रिक्शा तक जाता है वहाँ पे। तो क्या मुशर्रफ को ऑटो भी लाएंगे? नहीं मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। एग्जाम्पल मत दो, योगदान दो। योगदान किसमें? देखो मुशर्रफ के आने पे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अपना योगदान दे रहा है। वहाँ कश्मीर में फौजी और मासूम अपनी जान का योगदान दे रहे हैं। अपना देश 50 करोड़ के खर्चे का योगदान दे रहा है। एक सिंगर गाना गा के अपनी आवाज का योगदान दे रहा है। एक डांसर डांस करके अपनी कला का योगदान दे रही है। कारगिल के बाद उसे यहाँ बुलाकर हम अपने स्वाभिमान का योगदान दे रहे हैं। क्या तुम अपने घर का योगदान नहीं दे सकते? तुम सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं नहीं मैडम मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। ना। नहीं नहीं मैडम मैं हूँ। कहा ना? मैडम मैं बाय गॉड खा के कहता हूँ, आई लव माय इंडिया, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। झूठ, तुम बिल्कुल सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हो। सच्चा हिंदुस्तानी इतनी खिचखिच नहीं करता, घर टूटने का ऑर्डर आने पर चुपचाप अपना घर तोड़वा लेता है। और तुमने 10 दिन से हमारे स्टाफ को परेशान करके रखा है। आप चाहती क्या है, मेरा घर टूटता रहे
और मैं तमाशा देखता रहूं। ना, तमाशा देखने के लिए कौन कहता है? बाजू वाले थिएटर में हिंदुस्तानी लगी है, वहां जाके बैठो, हम तब तक घर तुड़वा के आते हैं। ये हिंदुस्तानी सिर्फ थिएटर में मिलते हैं क्या? यही तो, रास्ते पे थोड़ी मिलेंगे, रास्ते पे तो पाकिस्तानी मिलेंगे। आ रहे हैं ना राष्ट्रपति की सुरक्षा जांच करने के लिए। तो मैं क्या करूं? तुम्हें एक अच्छे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाना चाहिए, तुम्हारे घर का योगदान देना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि देश में अमन और शांति हो? मैडम कौन नहीं चाहेगा। तो फिर तुड़वा दो ना घर। तो ठीक है ना, आप जाइए और तोड़ दीजिए मेरा घर, मैं आज ही शाम को खाली कर देता हूँ। तुम ना भी कहते तो भी हम तुड़वा ही लेते। अब खुद ही कबूल कर रहे हो तो जरा इस पे साइन कर दो। यहाँ? हाँ। क्यों? क्यों क्या? इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मैं मुसद्दीलाल भारती भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, मुशर्रफ नहर वाली हवेली देख सके इसलिए अपना घर तुड़वाता हूँ। यहाँ साइन कर जाता हूँ जी। मिस्टर मुसद्दीलाल भारती, आपने ये साबित कर दिया कि आप नाम के ही नहीं काम के भी भारती हो। आपके घर का योगदान उस होटल के हलवाई के योगदान से कम नहीं जो मुशर्रफ के लिए 56 तरह के खाने बना रहा है। उस सिंगर से कम नहीं जो गा के उनका दिल बहला रहा है। उस डांसर से कम नहीं जो उनके सामने नाच रहा है। तुम्हारा योगदान सच्चे भारतीय का योगदान है जो मेहमान के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप होता है। और चिंता बिल्कुल मत करना, मुशर्रफ जी के जाते ही आपका घर भी बनवा देंगे। थैंक यू। हाँ सच कहता हूँ, मुशर्रफ जी ने हाथ मिलाया मेरे साथ। मैंने फोटो खिंचवाया। अरे भाटिया साहब ने क्या किया? नहीं देखा आपने? क्या किया, क्या किया? अरे मुशर्रफ के लिए जो लड्डू और केक आए थे ना, वो तो खा के नहीं गए, यही समेट ले आए। अभी भी वही खा रहे थे। दूंगा नहीं, दूंगा नहीं किसी को। ए भाटिया दो ना थोड़ा। अरे भाई सबको टेस्ट कराओ, हम भी तो वो खाए जो मुशर्रफ खा के गया है। अच्छा थोड़ा थोड़ा लेना। अरे ये उषा जी। अरे मुसद्दीलाल भारती, शुक्र है आपने पहचान तो लिया। ऑफ कोर्स, आपको और आपके योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं भाई। याद है आपको? हाँ हाँ हमें सब याद है। तो फिर आपको ये भी याद होगा कि आपने कहा था कि जब मुशर्रफ साहब चले जाएंगे तो आप मेरा मकान दोबारा बनवा देंगे। हाँ हाँ कहा तो था, पर छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? क्या है? अब क्या है, ये शिखर मंत्रणा जो है वो तो एक शुरुआत है अच्छे संबंधों की तरफ, और ऐसी बैठकें तो होती ही रहेंगी ना भाई। कभी हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाएंगे, कभी मुशर्रफ साहब भारत आएंगे। हाँ फिर वो आएंगे, फिर उनको नहर वाली हवेली देखने का मन करेगा तो फिर मकान तोड़वाना पड़ेगा आपका। यही तो, फिर कितना खर्चा होगा सोचो। अब देश का सारा पैसा ये तोड़वाने में, बनवाने में, तोड़वाने में अगर खर्च हो गया तो फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के स्वागत में कहां से खर्चा करेंगे? तो देखो भाई साहब, हम सब भारतीय हैं, हम कैसे भी रह सकते हैं, मगर मेहमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिर अतिथि देवो भव, भगवान का स्वरूप होते हैं मेहमान। वैसे आप लोग ज्यादा समझते हैं, जो भी करेंगे देश के हित के लिए ही करेंगे। पर आज मेरा मकान तोड़वा दिया गया है ताकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपनी पुश्तैनी हवेली को देख सकें। पर कल को जब मेरा बेटा बड़ा होगा और मुझसे पूछेगा कि पिताजी हमारा पुश्तैनी मकान कहाँ है, तो मेरे पास क्या जवाब होगा? आपके पास है?